लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल है, शिक्षा तो चौपट हो ही गया, और आप बताइए इतना गंभीर मामला है, हमने इसको रिट्वीट भी किया है, ये वीडियो है आप देखिए। अब ये वीडियो में क्या है, ये अस्पताल है या कुत्ते का घर, या कुत्ता को लगता हुआ कि इसी का घर है, कुछ इंसान उनके घर में आ गए, स्थिति बनी हुई है। ये सुशासन है, नीतीश जी का काम बोल रहा है, ये सारा वीडियो देखिए। और ये कहां का, तो सिवान जिले का जो मंगल पांडे जी जहां से आते हैं, तो उनके गृह जिला का। और यही नहीं, एक तो सफाई कर्मी जो है वो ऑपरेशन करते मरीजों का। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पार्टी कार्यालय पहुंचे, उन्होंने एक वीडियो दिखाया और उस वीडियो में अस्पताल का वो आईसीयू था और उस बेड पर कुत्ता जो है वो बगल में था और उसी बगल में पेशेंट था। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर कहा कि ये जो वीडियो आपको दिखाए हैं, ये जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके गृह जिला का यानी सिवान का है, वहीं से मंगल पांडे आते हैं और वहाँ की ये हालत है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और जगह की क्या स्थिति होगी जब स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले की ये स्थिति है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरीके से सरकार कोरोना काल में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया हर जगह चल रही है, लेकिन यहाँ ये वीडियो जो आप देख रहे हैं और एक जगह पर जो है जिस तरीके से जो सफाई कर्मचारी है वही ऑपरेशन करता हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने वो वीडियो भी खुद दिखाया है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे उस दौरान उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से एक सफाई कर्मचारी जो है वो ऑपरेशन कर रहा था। तो और डॉक्टर के बारे में तेजस्वी यादव ने कहा कि जो प्राइवेट अस्पताल चलाएंगे डॉक्टर, तो यही स्थिति होगा बिहार में। और जिस तरीके से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले से जो तस्वीर निकल कर सामने आई है वो तेजस्वी यादव ने खुद दिखाया है। क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव और किस तरीके से उन्होंने वीडियो को दिखाया है, जरा ये देखिए। तो मीटिंग ही नहीं होगी क्या, मतलब बीजेपी जो है बिहार विधानसभा और परिषद से बड़ी होगी जो प्रस्ताव पारित कर दिया, ये सोचने की जरूरत है। और हम सब लोग विशेष राज की बात करते हैं, ये लोग मांग किससे रहे हमको तो अब तक समझ में नहीं आता। और इन्हीं के केंद्र सरकार के लोग कहते हैं पार्लियामेंट में कि बिहार सरकार जो है खर्च नहीं कर पाती, बजट का पैसा नहीं खर्च। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो संजय जायसवाल है उन्होंने क्या कहा कि बजट का पैसा भी नहीं खर्च कर पाती, तो अपना ही लोग जो है एक दूसरे का उजागर कर रहा है कमियां। तो बिहार हित में तो है नहीं मामला, सुशासन किस बात का है बिहार, किस बात का सुशासन। सरेआम आपने देखा होगा, हमने ट्वीट भी किया था, गोली चला दी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर इतना बच्चे बदतर हो गए। गया में जो हादसा हुआ, जो गरीबों पर जुर्म जो ढाया जा रहा है, बांध भर के पीटने का काम किया गया, ये कुछ बालू माफिया लोग और प्रशासन के लोग मिलकर के जबरदस्ती ये कार्रवाई इन लोगों ने किया, क्या दिखाता है। लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल है, शिक्षा तो चौपट हो ही गया, और आप बताइए इतना गंभीर मामला है, हमने इसको रिट्वीट भी किया है, एक वीडियो है आप देखिए। अब ये वीडियो में क्या है, ये अस्पताल है या कुत्ते का घर, या कुत्ता को लगता हुआ कि इसी का घर है, कुछ इंसान उनके घर में आ गए, क्या स्थिति बनी हुई है। ये सुशासन है, नीतीश जी का काम बोल रहा है, ये सारा वीडियो देखिए आप। और ये कहाँ का, तो सिवान जिले का जो मंगल पांडे जी जहाँ से आते हैं, ये उनके गृह जिला का। और यही नहीं,
एक तो हो सफाई कर्मी जो है वो ऑपरेशन करता है मरीजों का। अब आप बताइए ऐसी स्थिति में ये सुशासन है कि कुशासन है या क्या है? एक तो होता है गवर्नेंस, एक होता है मतलब कि बैड गवर्नेंस, एक होता है देयर इज नो गवर्नेंस, तो गवर्नेंस ही नहीं है।